फूट लेने के बाद सिंग लेने के बाद कटिंग करना पड़ेगा। कटिंग करने के बाद कभी भी इसको आप जमीन में लगा के उसकी नर्सरी करके पौधे तैयार कर सकते हो। तो कटाई और फिर ट्रांसप्लांट करने में कोई खास प्रक्रिया का ध्यान रखना पड़े? बीज ट्रांसफर, बीज से पौधा का आयुष्य बढ़ता है, लेकिन ब्रांच लगाने से उत्पादन जल्दी मिलता है। तो मैं कहूंगा कि दोनों प्रकार रखो, एक उत्पादन जल्दी लेने का, वो जब भी दूसरा आ जाएगा सीड का, तो लंबे आयुष्य के लिए वो रखो। लेकिन देही जब सिर्फ कटाई करना हो और देही जब कटाई करने के बाद बाकी का उसे फिर लगाना हो, उस दोनों प्रक्रिया में कोई फर्क रहेगा? पीछे सवाल पूछो। एक है कि सिर्फ हमको कटाई करने का उद्देश्य है, और दूसरा उद्देश्य यह है कि कटाई करने के बाद बाकी का जो हिस्सा है पौधे का उसको ट्रांसप्लांट करना हो, तो कोई खास प्रक्रिया से कटाई करना है? नहीं, ट्रांसफर तो कभी भी कर सकते हो, ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो, और प्रूनिंग के लिए आपको उसके लिए प्रूनिंग का, जब भी प्रूनिंग करोगे तब आप ट्रांसप्लांट यानी कि नर्सरी में भी पौधे लगा सकते हो, कोई भी सीजन कोई फर्क। और उसमें कोई कटाई करने में कोई खास प्रक्रिया नहीं? हमने कहीं सुना था कि कटाई सीधी करो? नहीं, कटाई हमेशा 45 डिग्री से ही करना, ऐसे करना चाहिए। बरोबर। तो 45 डिग्री रखने से क्या होता है कि पानी जो गिरेगा वो बह जाएगा। बरोबर। ऐसा कभी नहीं करने का, पैरेलल टू अर्थ। बरोबर। समांतर नहीं करने का, और जब भी आप करोगे तो गोबर और रखिया का पेस्ट करने के लगाने से आपका पौधा सलामत रहेगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। अभी ये जो आपने जो एक खेत देख रहे हैं, इसमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? तो एक छोर पर 20 किलो सींग लग सके। ये 3 साल हो गया, आज तो 50 किलो आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहला तो यदि आपने ओसी टेस्ट किया, इसका ऑर्गेनिक कार्बन किया है कितना है? 1 से सब नीचे ही है, आधे से एक के बीच में, 0.5 से 1। हाँ, 0.6 है, नहीं 0.4 है, 0.5 से 0.1 पर, आधे से लेकर एक तक ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है, मैक्सिमम 0.75 है, बहुत कम है। देखिए एक बात समझ ले, जिस भी फल में सींग एक फल है, बीज है, जहां वो जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन होता है तब निर्माण होता है। तो बीज ही निर्माण नहीं होगा, सींग के अंदर 10 से 12 बीज आप कम से कम पाते हो, सींग बड़ी होगी तो वो जमीन का ओसी से ही निर्माण होता है। ये ग्रोथ हो जाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगा, सींग का आना मुश्किल होता है, तो वो ओसी बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैविक कार्बन बहुत जरूरी है। दूसरी बात कहूंगा कि जब भी सींग को जलाने से राख निर्माण होती है कहीं भी, वो राख भी जमीन से ही पौधा लेता है, जो पौधा जमीन से लेता है वही रक्षा में रूपांतर होता है। यदि आपने कोई भी सींग लेके आप बाजार में जाओ, उसको जलाओ, सुखाओ, जलाओ, रखिया हुई, तो रखिया तो जमीन के अंदर जैविक कार्बन है तो ही निर्माण होगा। तो जैविक कार्बन निर्माण नहीं होगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्पादन नहीं दे पाएगा। इसी में 3 साल का जो आपका जो लग रहा है उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक कार्बन का बहुत कम है। तो अब क्या करना चाहिए? सबसे उपाय है जैविक कार्बन बढ़ाना। वो जैविक कार्बन बढ़ाना यानी अमृत मिट्टी बनानी पड़ेगी। अच्छा, अभी अमृत मिट्टी नहीं बढ़ाओगे आप, नहीं दोगे तो मेरी आप सबसे विनती है, मैं चाहूंगा कि मुझे कोई किमिया आप भी दिखा दो तो भी मुझे खुशी होगी कि भाई ये डालने से जैविक कार्बन बढ़ेगा। हाँ, एक उपाय है, जैविक कार्बन बढ़ जाएगा, कोई भी डिकम्पोज करके मटेरियल डाल दिया, लेकिन उसमें पूर्ण पोषण का होना जरूरी नहीं है। ड्रमस्टिक के साथ जब हम उत्पादन करते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है कि उसमें सभी प्रकार के एलिमेंट मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, ये हमारी अपेक्षा होती है, या जो ग्राहक हमारे से खरीदता है या मार्केट में खरीदता है, तो वो अपेक्षा